राजस्थान में पानी की किल्लत बरसों से चली आ रही है और इसी समस्या को कम करने के लिए राज्य सरकार ने साल 2017 में ERCP यानी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना बनाई थी, जिसका उद्देश्य राजस्थान के जल प्रबंधन को दुरुस्त करना था, जहां आज भी इस परियोजना से कम 4 करोड़ जनता को फायदा हो रहा है। लेकिन इस परियोजना की समाप्ति साल 2023 में हो रही है और यही डर अब विरोध प्रदर्शन के रूप में दिखाई दे रहा है, जहां ERCP को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने की मांग को लेकर राजस्थान में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन इस प्रदर्शन के चलते एक ऐसे विस्फोट का वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप भी सहम उठेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं वो वीडियो और बताते हैं पूरा मामला। नमस्कार, मैं शिवम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं मीडिया दरबार। दरअसल ये वीडियो राजस्थान के भरतपुर से सामने आया है, जहां किसान नेता नरेंद्र सिंह अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर प्रदर्शन कर रहे थे और उनके इस प्रदर्शन का कारण राजस्थान के 13 जिलों की जनता को पीने के पानी की सुविधा और 8 लाख बीघा जमीन को सिंचाई का नुकसान ना होने को लेकर था, जिसमें कई किसान नेता केंद्र सरकार और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का पुतला दहन कर रहे थे। उसी दौरान यह घटना घटित हो गई, जिसमें किसान नेता नरेंद्र सिंह की जान आफत में पड़ गई। हुआ कुछ यूं कि किसान नेता ने पहले पुतले पर पेट्रोल छिड़का और आग लगाने लगे, लेकिन आग लगाते समय अचानक से एक विस्फोट हो गया, जिसके बाद जलता हुआ पुतला किसान नेता के ऊपर ही आ गिरा। लेकिन नेता ने तुरंत वहां से भागकर अपनी जान किसी तरीके से बचा ली, जिसके बाद किसान नेता की जान जाते जाते बस बाल बाल बच गई। गौरतलब है कि जिस प्रकार प्रदर्शन के दौरान किसान नेता के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, ये हादसा बेहद ही भयानक है। इस हादसे में उनकी जान भी जा सकती थी, वहीं गहलोत सरकार द्वारा ERCP की सुविधाओं का खत्म करना कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता और किसानों के सामने एक बड़ी दुविधा खड़ी कर देना है। वहीं बड़ा सवाल तो ये है कि क्या सरकार ERCP योजना को आगे बढ़ाती है या नहीं। आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।